हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल शेफ ऑन ड्यूटी में स्वागत है। आज हम बनाएंगे मोदक, जो गणेश जी को बहुत ही पसंद हैं, उनके बहुत ही फेवरेट हैं, और हम बिना सांचे के बनाएंगे और हम मिल्क पाउडर से बनाएंगे। आइए देखते हैं हम कैसे बनाएंगे। मोदक बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है एक कटोरी, हमने यहाँ पे सूखा दूध लिया है, हमने दो चम्मच यहाँ पे घी लिया है, आधी कटोरी हमने मिल्क लिया है, और दो चम्मच मैंने बड़े वाले दो चम्मच चीनी लिया है। चीनी आप अपने स्वादानुसार ले सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे चार पांच इलायची ली है, उसको मैंने पीस लिया है, और मैंने सैफ्रन लिया है, सैफ्रन को मैंने पानी में भिगो दिया है कलर के लिए। आइए देखते हैं हम मोदक कैसे बनाएंगे। मोदक बनाने के लिए हम गैस चलाएंगे, ये पैन रख लिया है हमने। अब हम क्या करेंगे, हमने ये जो दो चम्मच घी लिया था वो हम इसमें डाल लेंगे, इसको गर्म होने देंगे। घी गरम हो चुका है, अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, हमने ये जो आधा कटोरी दूध लिया था वो हम इसमें मिला देंगे। हम गैस का फ्लेम सिम पर ही बनाएंगे हम। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, हमने ये जो सूखा दूध लिया था एक कटोरी वो हम इसमें मिलाएंगे और इसको हिलाते जाएंगे ताकि इसमें लम्स ना बने, धीरे धीरे ही डालेंगे हम इसको। ये देखिए हमारा ये कंसिस्टेंसी अब थिक होने लग गई है। जब तक ये पैन के किनारे छोड़ नहीं देगी तब तक हम क्या करेंगे, इसको हिलाते रहेंगे। ये देखिए हमारी कंसिस्टेंसी थिक हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, ये जो सैफ्रन लिया था वो हम इसमें मिला देंगे। ये देखिए ये बन चुकी है, नीचे से छोड़ दिया है इसने घी अपना। अब हम क्या करेंगे, इसको एक प्लेट में हम निकाल लेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसको इसमें जो बाकी इंग्रेडिएंट्स हमारे पास बच गए थे हम उनको करेंगे डालेंगे इसमें। ये देखिए ये चीनी थी हमने ली, ये चीनी हम इसमें मिलाएंगे अच्छे से, जैसे एक डो बनाते हैं आटे का वैसे हम इसको अच्छे से मिलाएंगे।
और हम इसमें ये जो हमने इलायची पाउडर लिया था वो भी हम इसमें मिला देंगे। हमने प्लेट से इसको एक बाउल में शिफ्ट कर लिया है जिससे कि हमारा ये डो अच्छे से फैट जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। ये देखिए हमारा एकदम अच्छे से डो तैयार हो चुका है जैसा कि हमें चाहिए था। अब हम क्या करेंगे, मोदक बनाएंगे, बिना मोल्ड के ही मोदक बनाएंगे। ये देखिए हमने ऐसे गोल गोल किया, हम छोटे छोटे मोदक बनाएंगे, आप कोई भी साइज के बना सकते हैं। जैसे हमने ऐसे गोल किया तो इसको बस ऐसे ऊपर से, ये देखिए मोदक के शेप की बन चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसको इसकी सहायता से ऐसे, ये देखिए कितने सुंदर बने हैं। ये देखिए ऐसे ही हम और बनाएंगे। मोल्ड के बिना भी हम आसानी से इसको बना सकते हैं। ये देखिए हमारे अब मोदक बन चुके हैं, हमने पूरे 11 मोदक बनाए हैं गणेश जी के लिए। अब हम इसको भोग स्वीकार कराएंगे गणेश जी को। ये देखिए हमारे मोदक बन चुके हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। आप भी इसको बनाइए और इंजॉय कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं। थैंक यू।